नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू। हमारे आज के खास मेहमान हैं सूरज पाल सिंह राणा, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जी, जो प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव है, इन पर हम चर्चा करेंगे। इस बार किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, या फिर अन्य जो छोटी पार्टी जो पैदा हो रही हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी का? क्योंकि जिस तरह से लगातार दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसमें किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है, किस तरफ बहुमत जाता दिख रहा है, और किसकी जो है नगर निकाय में सबसे बड़ी जो है हम जीत कहें तो किसकी होने वाली है? देखिए, ऐसा है कि यदि निष्पक्षता के साथ में अगर चुनाव कराया जाता है तो इस समय समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो भारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काम किया है और विकास के नाम पर हम ये इलेक्शन फाइटिंग में हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, उन्होंने तो केवल और केवल हवाई फायर किए हैं, धरातल पर आज तक कोई काम नहीं किया। आप देख लीजिएगा, स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा है, चारों तरफ गलियां जो है गंदी हैं, खुदी हुई पड़ी हैं, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कों पर गिर रहे हैं, नालियां हैं वो भरी हुई पड़ी हैं। तो ये नगर निगम का हाल इतना बुरा चल रहा है कि बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर हमारी सरकार में जितने काम हुए उससे आधे भी काम नहीं हुए, और मेरा कहना ये है कि यदि हम इस समय वजूद में हैं और यदि जनता ने हमको मौका दिया, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी कहना है कि अगर जनता हमको मौका देती है तो हम वो काम करके दिखाएंगे जो कि वास्तविक गरीब लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं। देखिए, अभी उस पर काम हुआ, हाउस टैक्स कितना बढ़ा दिया गया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। गरीब लोगों के लिए इतना बड़ी परेशानी का सबब बन गया कि आज तक उसका कोई समाधान ही नहीं हुआ है। तो गरीब जनता बहुत परेशान है, उसके लिए हम काम करेंगे और हाउस टैक्स जितना भी है उसको माफ कराएंगे, और जो वाटर टैक्स है उसको बिल्कुल फ्री कराएंगे। गलियों में लाइट की सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इस समय हमारा जो वजूद ज्यादा है, समाजवादी पार्टी का मेयर, हमारे जो आदरणीय दो बार के विधायक हैं जमीरुल्लाह खान साहब, वो इस समय जीत की ओर हैं और पूरी पार्टी लगी हुई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ये कहना है कि अगर जीतने के बाद हम वो काम करेंगे जो गरीब लोग हैं उनको पूरी सुविधाएं देने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि पार्टियां तो आती ही हैं, लेकिन महापुरुषों को आगे बढ़ाने का बहुत कम प्रयास किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी शायद उसमें बहुत आगे है, तो इसकी वजह भी तो ये कि ये नहीं आप मानते हैं कि उन नामों को लेकर के भी आगे पार्टी बढ़ रही है कहीं ना कहीं। अपना अलीगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो राजा महेंद्र प्रताप जी का तो नाम आपने सुना ही होगा, और शायद ही ऐसा कोई हो ना सुना हो जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी जमीन दान दे दी, जो 32 साल बाहर रहे अंग्रेजों में, पहली सरकार जो मुख्तार ए हिंद सरकार बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं, पहली सरकार जो है 1947 के पहले, जब प्रथम सरकार बनी थी 1915 में, तो वो उसके राष्ट्रपति थे। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि महापुरुषों के नाम पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी आगे है कई कदम समाजवादी पार्टी से? जी जी ऐसा है भाई साहब, हम आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी का काम करती है, आज तक का रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा कि वो आगे है, उसे जनता के वोटों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो केवल छल और फरेब की राजनीति करती है। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आज तक कोई भी सच नहीं बोला झूठ के अलावा। तो अब राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की बात आई है, तो यह भी प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की देन है, क्योंकि हम इस पर काम कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सोच थी कि ये बनाया जाए। अब वो भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है जो समाजवादी पार्टी के एजेंडे में पहले से सम्मिलित था। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ बोल करके सत्ता पर काबिज बने रहना चाहती है। आज जनता इनसे इतनी परेशान है,
इनके खुद लोग परेशान है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी खुद कहते हैं कि बहुत लोग परेशान है। सिलेंडर है देखिए 1150 रुपए का सिलेंडर है, महंगाई पर इनका कोई काबू नहीं क्योंकि इनको जनता के वोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये धोखेबाजी से, चालबाजी से और ये छल फरेबी से इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। इसीलिए ये मतलब मीडिया इनका है, मीडिया के लोग जो है सत्यवाद, अब आप जैसे चैनल वाले हैं वो लेकर के आते हैं, लेकिन बहुत से चैनल हैं जो कि इनकी बात को ओपन नहीं करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो केवल जुमलेबाजी करके, धोखेबाजी से जनता को गुमराह करके, झूठ बोल करके और मतलब जो है शासन पर काबिज रहना चाहते हैं। मैं इतना ही इसमें कहूंगा, बहुत बड़ा आरोप लगता रहता है जो आपकी पार्टी पर, बहुत बड़ा आरोप जो लगाया जाता है हर बार कि आप जब भी सत्ता में आते हैं तो आप मुसलमानों को आप बढ़ावा देते हैं, आपका ध्यान जो है हिंदुओं की तरफ नहीं रहता है, और आप के हिंदुत्व पर जो सवाल उठाए जाते हैं उस पर आपकी क्या राय है, आप कैसे उसको जो है देखते हैं? जी, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिएगा। आपकी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि आपकी पार्टी मुसलमानों को ज्यादा बढ़ावा देती है, टोपी पहन करके इफ्तार करने की क्या आवश्यकता है, अगर कोई मुसलमान जो है तिलक लगा करके क्या आपके रोजे नवरात्रे में आपकी बधाई देता है क्या, एक भी मुसलमान आप बताइए। दूसरा, जब आप मंदिर में भले ही आप जो है नमाज आप कर रहे हैं तो आप तालियां बजाते हैं, लेकिन क्या किसी मस्जिद में आज तक हनुमान चालीसा हुआ है क्या, ऐसे भी सवाल उठाए जाते हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए सर, इसका मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो पार्टी है वो सर्वधर्म पार्टी है, ऐसा नहीं है कि हम जो है मतलब मुसलमानों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ऐसा ये सोच है अपनी अपनी, लेकिन मैं मेरा मानना है कि हमारी पार्टी ने सबको, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक तरफ जहाँ अखिलेश यादव जी सभी के नेता हैं तो अखिलेश यादव जी जब टोपी पहन सकते हैं तो वही समाजवादी पार्टी का कोई मुस्लिम लीडर तिलक लगा के हिंदुओं से वोट की अपील क्यों नहीं कर सकता? जी, आजम खान से लेकर के तमाम लोग हैं। जी देखिए सर, ऐसा है, टोपी पहनने वाली बात यह है कि हम सब मजहब को मानते हैं, हिंदू और मुस्लिम इस देश की शान है, ऐसा नहीं है कि ये पार्टी मुसलमानों की है या मुसलमान इस पर हावी है, ऐसा नहीं है। जी बोलिए। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वो सर्वधर्म को मानने वाले हैं। जी बताएं आप, आवाज आ रही है? हाँ, हरी आवाज सर आ रही है। तो हाँ, ऐसा है कि हम सर्वधर्म को मानने वाले आदमी हैं, ऐसा नहीं कि हम मुसलमानों की ज्यादा। जी आप बोले, हम सुन रहे हैं आपको, आप बोले। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आपकी आ रही है, आप बताइए। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि ऐसी बात नहीं है कि देखिए, जहां मुसलमानों की इज्जत का सवाल है, हर समाज में वो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या मुसलमानों की पार्टी है, ये ऐसा नहीं, पार्टी सबकी है। और उन्होंने अभी देखिए कितने उनको बैकवर्ड क्लासों को टिकट दिया है नगर निकाय चुनाव में, ऐसा नहीं, सबको समान अधिकार है हमारी पार्टी में, ऐसा नहीं कि मुस्लिमों को ज्यादा हो या और किसी को कम हो, ऐसा नहीं है। और रही बात टोपी पहनने की, तो जिस समाज में जाते हैं उस समाज का सम्मान करना हमारी पार्टी का परम कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि हम वहां जाएं और उनका हम अपमान करें या अवहेलना करें, ऐसा नहीं, हम सबको समान अधिकार से देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदू मुसलमान दलित सिख ईसाई सबको बराबर समान दृष्टि से देखते हैं। जी, इस बार जो नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही, क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके, आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो क्या प्रमुख मुद्दे क्या है, कौन कौन से हैं आपके? जी, हमारे विकास के मुद्दे हैं, हम विकास के नाम पर ही हमने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और नगर निकाय का चुनाव है वो भी विकास के मुद्दे पर है।
हम ये जनता के बीच में कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब थी समाजवादी पार्टी की, तो विकास किया, काम किए हैं, धरातल पर काम किए हैं, और उन्हीं कामों को लेकर के हम जो है आज नगर निकाय चुनाव में उतरे हैं। आज जो गरीबों की समस्याएं हैं, जो बिजली पानी सीवर लाइन्स जितनी भी समस्याएं हैं, सड़कों की, गली मोहल्लों की, जहाँ सफाई व्यवस्था नहीं होती है, हम उनको लेकर के आ रहे हैं कि हमारी सरकार में जितना विकास हुआ था उतना आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। और उसी विकास के नाम पर हमने विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ा, और विकास के नाम पर माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना विकास किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे आधा 50% भी नहीं किया है। और हमारा मानना यह है कि हम जितने भी विकास के मुद्दे हैं, विकास को लेकर के हम आ रहे हैं, क्योंकि गरीब कन्या विद्या योजना, लैपटॉप योजना, बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई, उन्होंने उनको सबको खत्म कर दिया। ये है जी। तो हमारे साथ में थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राजनेता सूरज पाल सिंह राणा और सविता, जो लगातार जो है बीजेपी पर आरोप भी लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो गरीबों के लिए है, गरीबों की पार्टी है, जो गरीबों के हितों में काम करती है, और उत्तर प्रदेश के विकास में जो है बहुत सारे काम समाजवादी पार्टी ने किए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है।